आम आदमी पार्टी सरकार को एमसीडी में आज एक साल पूरा हो गया है। अब ऐसे में केजरीवाल ने जो भी दावे किए थे कि एमसीडी चुनाव जीतने के बाद वो दिल्ली में साफ सफाई की व्यवस्था और तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करवा देंगे, उसका जमीनी स्तर पर क्या हकीकत है, वही जानने के लिए आज हम त्रिलोकपुरी आए हैं और यहाँ पर मेरे साथ कई लोग मौजूद हैं जो कि इसी इलाके में रहते हैं। उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि केजरीवाल ने जो भी दावे किए थे, चाहे वो हो सफाई कर्मचारियों को नौकरी देना हो, गली मोहल्लों की साफ सफाई हो, कूड़े का पहाड़ कम करना हो, तीन जो पहाड़ हैं उनको हटाना हो और नए पहाड़ ना बनने देना हो, जो कि दिल्ली की मेजर प्रॉब्लम थी कूड़ा निस्तारण, तो अब ऐसे में क्या जमीनी हकीकत है वो इन्हीं लोगों से जानते हैं क्योंकि ये लोग यहाँ के रहने वाले हैं। सर, केजरीवाल सरकार ने एमसीडी चुनाव जब जीतने थे उनको तो उन्होंने कहा था कि कूड़े का हम निस्तारण करेंगे, किसी भी गली मोहल्ले में गंदगी नहीं रहने देंगे। आप इस इलाके में रहते हैं, क्या हकीकत है यहाँ की? जी, मैं यही रहता हूँ त्रिलोकपुरी में ही, और अरुण कुमार मेरा नाम है। तो जो सफाई व्यवस्था ग्राउंड लेवल पे काफी अच्छी हुई है, जगह जगह जो पहाड़ होते थे कूड़े के वो कम हुए हैं, और हमें रहते हुए कम से मतलब जब से कॉलोनी बसे जब से है तो आज से पहले तो कभी जितनी सफाई अभी हुई है मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखी है, और काम का स्तर जो है बड़ा है। काम अभी जो वादे किए हैं उस पे खरे उतर रहे हैं, और ये जो पार्क वगैरह हैं इनकी भी सफाई व्यवस्था चालू है, और ये जो खत्ता है यहाँ भी बहुत अच्छे से सफाई हो रही है। एक साल हो गया है एमसीडी में केजरीवाल सरकार को आए हुए, एक साल में और पहले की तुलना में जब एमसीडी में बीजेपी हुआ करती थी तब में और अब में क्या अंतर देख पा रहे हैं? इस समय बहुत अंतर पड़ा है, क्या नाम है, केजरीवाल जी बहुत अच्छा काम करा रहे हैं। आपने क्या बदलाव महसूस किए हैं बीते एक साल में जब से एमसीडी की कमान केजरीवाल के हाथों में आई है? नए काम तो करा है केजरीवाल जी ने, और साफ सफाई के मामले भी अच्छा रहा है यहाँ पर। मेरे साथ इस मोहल्ले में रहने वाली कई महिलाएं भी इस वक्त मौजूद हैं जिनके अपने विचार हैं, अपनी राय है साफ सफाई को लेकर के एमसीडी में केजरीवाल के एक साल पूरा होने पर उन्होंने क्या क्या बदलाव यहाँ पर देखे। आपके मोहल्ले में साफ सफाई होती है? हम साफ सफाई बराबर होती है, साफ सफाई का कोई इश्यू नहीं है। कभी कभार देखे बारिश की वजह से या थोड़ा मौसम की वजह से थोड़ा ओवर हो जाता है, लेकिन सफाई के माध्यम से बहुत अच्छा है। सफाई बहुत अच्छी होती है यहाँ पर, गाड़ियाँ टाइम पर आती हैं, सब कुछ होता है। बारिश के मौसम में अक्सर गली मोहल्लों में हम देखते हैं कि कीचड़ हो जाती है, तो आपके मोहल्ले का क्या हकीकत है कि किस तरह से उसका निस्तारण किया जाता है? नहीं नहीं, हमारे गली मोहल्ले में कोई कीचड़ नहीं होती, कोई पानी नहीं भरता। अभी बिल्कुल रिसेंटली कुछ 6 महीने हो गए हमारा रोड बना है बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छा है, पानी वानी कुछ नहीं भरता, बहुत अच्छी सुविधा है। एक साल हो गया है केजरीवाल के हाथों में एमसीडी की कमान आई है, पहले और अब मैं कितना अंतर महसूस कर पा रही है कि पहले की साफ सफाई और अब की साफ सफाई? नहीं, साफ सफाई तो बहुत ही ज्यादा है, हमारे वहाँ तो प्रॉपर सफाई वाली आती है डेली, झाड़ू वाड़ू सब लगाते हैं, कूड़े की गाड़ी भी रोज डेली आती है, कोई दिक्कत नहीं इस चीज के अंदर। कूड़े की गाड़ी सब समय पे आती है? आती है समय पे। साफ सफाई एकदम दुरुस्त है? बिल्कुल साफ। क्या नाम है आपका? बंटी। ये आपकी दुकान है? जी, मेरी खुद की दुकान है। यहाँ पर कितनी साफ सफाई होती है, कितनी बार झाड़ू लगती है? और केजरीवाल को एमसीडी में आए हुए आज एक साल हो गया जब से केजरीवाल ने एमसीडी की साफ सफाई की सारी कमान अपने हाथ में संभाली है, तो उन्होंने जो भी दावे वादे किए थे आप उनसे कितना खुश हैं, कितना सहमत है, और किस तरह की साफ सफाई की व्यवस्था आपके इलाके में? व्यवस्था तो ठीक है, सुबह कहना ना टाइम पे झाड़ू लग जाती है, कूड़ा कचरा भी टाइम से भरा जाता है, बाकी कोई ऐसा बिल्कुल ठीक है। आपकी कुछ भी समस्याएं होती हैं एमसीडी को लेकर के आप पार्षद के पास जाते हैं, समय से निस्तारण होता है? पार्षद के पास जाते हैं, अगर कोई भी परेशानी का होता तो उसे ठीक करा जाता है। सर, क्या नाम है आपका? रतन। कितने समय से दुकान लगा? मैं 25-28 साल हो गई। सर, दिल्ली में अब जो साफ सफाई हो रही है एक साल में और अब से पहले जो साफ सफाई हुआ करती थी उसमें आप कितना बदलाव महसूस करते हैं, क्योंकि एक साल से दिल्ली की साफ सफाई एमसीडी की कमान केजरीवाल सरकार के हाथों में आ गई, तो कितना बदलाव आप देख पाते हैं? जब से केजरीवाल की सरकार आई है यहाँ पे बहुत फायदा हो रहा है, साफ सफाई भी हो रही है, हर चीज की सुविधा हो रही है यहाँ पर, चीज में केजरीवाल हमारे लिए बहुत अच्छा है। आपके इलाके में कितनी बार कचरा लेने वाली गाड़ी होती है, कितनी बार झाड़ू लगती है? झाड़ू भी 2-3 बार लगती है और कचरे वाले की गाड़ी भी 2-3 बार आती है, सुबह के टाइम में भी आती है करीब 8 बजे करीब, उसके बाद में 10-11 बजे करीब भी आती है। केजरीवाल सरकार ने जो भी वादे किए थे कि एमसीडी में वो जीत दर्ज करेंगे उन निभाएंगे, तो वो पूरा कर पाने में सफल रहे? हाँ जी, सफल रहेंगे, हमारे लिए तो सफल रहेंगे वो, हमारे लिए बहुत बहुत धन्यवाद केजरीवाल जी का, जो हमारी इतनी सुविधा दिवा रहे हैं।
एमसीडी में केजरीवाल सरकार को एक साल पूरा हो चुका है और जब बात रियलिटी चेक की तो लोग भी काफी खुश केजरीवाल सरकार से नजर आए और साफ सफाई की व्यवस्था जो कि केजरीवाल ने कहा था कि वो पूरा मुक्त दिल्ली बनाएंगे, दिल्ली में साफ सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त कर देंगे, तो लोग उनके इस वादे से काफी सहमत नजर आए और जमीनी स्तर पर वो चीज नजर भी आई। लोगों में काफी खुशी है कि पहले जो साफ सफाई कई सालों में नहीं हुई वो अब एक साल में दिल्ली ने बदलाव देखे हैं, वो साफ सफाई एक साल में दिल्ली के अंदर काफी ज्यादा हुई है। कैमरा पर्सन सतेंद्र के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली।